कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं। शाही इमाम का नफरती बयान, महिलाओं के खिलाफ उगला जहर, चुनाव लड़ने पर इस्लाम का हवाला क्यों, क्या इस्लाम बहाना कट्टरता है फैलाना। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने मुस्लिम महिलाओं के चुनाव लड़ने पर जहर उगला है। शाही इमाम ने चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को टिकट देने पर न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि जो मुस्लिम महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं वो इस्लाम से बगावत करते हैं। कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं। शाही इमाम शब्बीर अहमद यहाँ भी नहीं रुके और इस्लाम का हवाला देते रहे और कहते रहे कि इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की है, अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना जायज होता तो उनको मस्जिद आने से नहीं रोका जाता, औरतों का इस्लाम में एक मकाम है, इसलिए जो कोई भी औरतों को टिकट देता है वो इस्लाम को कमजोर करता है। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों, औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप। तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गए आप, इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं, इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। नफरती शाही इमाम ने आगे कहा कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए काउंसलर बनाएंगे तो हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे, ना तो हुकूमत के सामने आवाज उठा सकेंगे। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए काउंसलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी तो फिर उससे क्या होगा, हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्युनिसिपैलिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाजाबता वो जो है लोगों से अपील कर रही है, इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं, आपको लड़ना है, आप मर्द हैं मर्द को दीजिए ना भाई। जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी के इस बयान से कट्टरता झलकी है और साथ ही महिला सशक्तिकरण के खिलाफ प्रहार भी दिखा है। खैर वोटिंग के एक दिन पहले शाही इमाम के ऐसे बयान से क्या असर पड़ेगा वो तो वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।